हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम ब्लूजे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, पूरा इंस्टॉल करके बताऊंगा और फर्स्ट प्रोग्राम बनाकर भी बताऊंगा। ओके, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो देख लीजिए किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और अगर है तो बाकी के अदर ट्यूटोरियल देख सकते हैं क्लास 10th ICSE के बच्चे भी। ओके, 12th के बच्चों का भी सिलेबस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। तो दो सॉफ्टवेयर है, एक तो ब्लूजे इंस्टॉल होना चाहिए और उसके अलावा JDK इंस्टॉल होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। इन दोनों के जो लिंक्स हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर लेना और फिर देखो क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो देख लो। तो सबसे पहले हम JDK को इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। इसका इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ब्लूजे चल पाएगा। सो नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट। सो ये मत सोचने कि ये हो नहीं रहा है क्या, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक दो मिनट तक ऐसा लगता है कि आगे प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट करना है आपको, इसने अभी ये पूछा कि कौन सा डेस्टिनेशन फोल्डर, आप सेलेक्ट कर सकते थे जहाँ पे आप चाहते थे, लेकिन मैंने सिंपल नेक्स्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो चूज कर लिया था उसने। जावा प्रोग्रामिंग है उसके लिए एक्लिप्स यूज होता है या फिर जो है या फिर रैपिड क्लिप्स यूज कर सकते हैं हम, बट 10th और 12th के बच्चे जो हैं उनके लिए रैपिड क्लिप या फिर एक्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सॉफ्टवेयर हो जाता है, और उनको चलाने के लिए जो है हमारा सिस्टम में अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ओके, तो इस वजह से ब्लूजे करवाते हैं, जो कि जो लोअर सिस्टम होते हैं 2 GB रैम हो उसमें भी चल जाता है। तो अब देखो JDK इंस्टॉल हो चुका है, मैं अब ब्लूजे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट करना है सिंपल, ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा ब्लूजे। इसको अभी स्टार्ट करके बताऊंगा कैसे कैसे क्लासेस बनाते हैं और किस तरीके से जो है फर्स्ट प्रोग्राम लिख के बताऊंगा। सो देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब देखो आइकन आप चेक कर लो इस तरीके का ब्लूजे करके ये आ गया होगा। अगर बाय चांस नहीं आता है तो आप स्टार्ट पर जाके BLUEJ सर्च कर लेना। ओके, और ये देखो ये ब्लूजे जो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। एग्री करना मतलब अगर आप जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ब्लूजे के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को देना चाहते हो ताकि वो और अच्छा इम्प्रूव कर सकें तो आप एग्री कर सकते हो, वरना नो थैंक्स, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ। देखो ये ओपन हो चुका है, अब यहाँ पर ये किस तरीके से करना है आपको, सबसे पहले जो है आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो ब्लूजे में। तो हम पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो एक फोल्डर मैं बना देता हूँ यहाँ पे जावा करके, जो कि माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर है, इस जावा के अंदर क्लिक करना। ओके, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी आप नाम देना चाहते हो, जावा प्रोजेक्ट 1, ठीक है, जैसे भी क्रिएट कर दीजिए। अब देखो ये प्रोजेक्ट अभी रेडी हुआ है, बट प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। ओके, सो इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, ये ऊपर देखो टॉप में लेफ्ट साइड में जावा प्रोजेक्ट 1 ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है। न्यू क्लास बनानी है, तो न्यू क्लास पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लास का नाम दे दो, जावा 10th लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके कर दीजिए। तो ये जो है हमारी क्लास बन चुकी है, अब ये क्लास इस तरीके से आएगी, अब इसको हमें ओपन कर लेना है। अब देखो इसको फुल स्क्रीन कर लो, अभी यहाँ पे ये कोड दिया गया है इसको हम हटा देते हैं। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम क्लास बनाते हैं तो इस तरीके से ये कोड दिखाता है, जो कि हमारे जान हमारी ज़रूरत का नहीं है। ओके, सो इसको हमें क्या करना है, सिंपली हटा देना। सो उस कोड को हटाने के बाद हमें लिखना है पब्लिक क्लास, क्योंकि जावा में कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो क्लास के अंदर हम बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो है वो क्लास को बनाना पड़ेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ओके, सारे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए आप। ओके, पब्लिक क्लास, और क्या नाम देना चाहते हो आप क्लास को वो लिख दीजिए, एंटर। उसके बाद अब इस क्लास के अंदर हमें मेन फंक्शन बनाना है। ओके, सो मेन फंक्शन स्टार्ट होगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। आप देखो जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाओ, ओके, सो तो वो ऐसे ही स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन इस तरीके से, और क्लास का नाम जैसे मैंने ABC दिया है, तो उस क्लास का नाम
आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग args जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ओके सो ये इस तरीके से ब्रैकेट, इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने जिनको इंस्टॉल करना नहीं आता और ये नहीं पता किस तरीके से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं जावा में, तो वो आप देख लीजिए। इस तरीके से हम डिस्प्ले करवाएंगे आई लव जावा प्रोग्रामिंग। ओके और इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद पब्लिक क्लास ये वाला क्लोज। अब इतना ये प्रोग्राम लिख लिया, अब इसको करना है कंपाइल। अब देखो कंपाइल हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नो सिंटैक्स एरर, लेफ्ट साइड में देखो सबसे बॉटम में ये क्लास कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम बनाओ सबसे पहले क्लास बनानी है, ब्रैकेट लगाना है, कर ली, उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर ये। अब जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे डिटेल में चीज़ें आएंगी और एडवांस होता जाएगा तो वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो हमें क्या करना है, कंपाइल कर लिया प्रोग्राम लिखने के बाद, वापस हमें कहाँ पे आना है, इधर आना है, ये ABC लिख के आ गया। ठीक है, अब void main string args इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब पहले तो ABC के ऊपर राइट क्लिक करो फिर void main के ऊपर क्लिक करो। अब देखो ये इस तरीके से ब्रैकेट बने आ गए हैं, दो कर ली, एक ओपन वाला एक क्लोज वाला। अगर मान लो ये बाई चांस एम्प्टी आता है, मान लो ये इस तरीके से एम्प्टी आ जाए, तो हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ मिलते हैं, आपके कीबोर्ड में जो पी वाला जो बटन है उसके राइट साइड में, ठीक है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, शिफ्ट दबा के आप दबाओगे उन बटन्स को तो कर्ली वाले ब्रैकेट आ जाएंगे, ओके कर दो। अब देखो ये आउटपुट आ गया, आई लव जावा प्रोग्रामिंग, इतना क्लियर है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से जो है हम फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रोग्राम। तो अब देखो मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, इसका 18 कर देता हूँ, सो इससे क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा देखो। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल और जो बाकी के ट्यूटोरियल्स हैं वो आप चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनके। ओके।